राष्ट्रपति पारस भी बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए गठबंधन में रहने या न रहने को लेकर जल्द कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। पशुपति पारस एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उनकी पार्टी नेताओं के साथ बातचीत भी चलती रही और आगे की रणनीति तय करने के लिए पशुपति पारस दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना के पार्टी कार्यालय में लगातार समर्थकों और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। हर कोई पशुपति कुमार पारस के अगले कदम का इंतजार में है। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस आज दोपहर तक कोई निर्णय ले सकते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।